Hello friends, once again welcome to my YouTube channel The Help Station. This is Neeraj Yadav here. Today I am present the presentation on the topic of North-West Cost Method. It is very important for our internal examination, for our internal external examination. So today we cover this thing. तो आज हम बात करते हैं इसमें एक एक स्टेप्स से धीरे धीरे, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा इस मेथड में, नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट यानी हमें सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट रो को सेलेक्ट करना होगा, नॉर्थ वेस्ट कॉलम को सेलेक्ट करना होगा। उस सेल को सेलेक्ट करने के बाद हम अपने उसको एलोकेशन देंगे, उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में, उस मैट्रिक्स में फिर हमें एलोकेशन देनी है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट कॉर्नर सेलेक्ट किया, फिर जो वैल्यू हमने सेलेक्ट की है, सेकेंड स्टेप देखना हमें, जो वैल्यू हमने सेलेक्ट की है उस वैल्यू के रिस्पेक्टिव में, वो या रो में हो या कॉलम में हो, उससे हमें फिर सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक। फिर हमें क्या करना होगा, इफ सप्लाई इज जीरो देन क्रॉस स्ट्राइक दैट रो एंड मूव डाउन टू द नेक्स्ट सेल। अगर सप्लाई जीरो हो जाती है तो हमें नेक्स्ट कॉलम या नेक्स्ट रो की ओर मूव करना होगा। इफ डिमांड इज जीरो देन क्रॉस स्ट्राइक, अगर डिमांड जीरो हो जाएगी तो हमें कॉलम को कट कर देना होगा और हमें फिर से नेक्स्ट सेल की ओर बढ़ना होगा। इसी तरीके से हमें डिमांड और सप्लाई दोनों को जीरो करना है और अपने रोज और कॉलम को कट कट करके डायगोनली हमें आगे की स्टेप फॉलो करनी है, ठीक है। अब आखिरी स्टेप में क्या करना है, यही हमें प्रोसेस रिपीट करना है, कब तक, जब तक कि डिमांड और सप्लाई की वैल्यू जीरो ना आ जाए। तो चलिए आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें हमारे सप्लाई दी हुई है, ठीक है, डिमांड दी हुई है, ठीक। क्या करना है, इसमें जो S1, S2, S3 है, तो सप्लाई कॉन्स्टेंट हमारे कितने हैं, 3। नंबर ऑफ डिमांड कॉन्स्टेंट कितने हैं, D1, D2, D3, D4, ठीक। अब हमें इन्हीं के थ्रू सब फॉलो करना है एक एक स्टेप, ठीक। तो अब जैसे हमने देखा फर्स्ट सेल में, तो हमें क्या करना था, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड सेलेक्ट करना था, ठीक। तो उसमें हमने क्या देखा, सबसे पहले चेक करना है कि S1 D1, जैसे S1 D1 में हमने देखा ये, ठीक, इसमें सप्लाई देखी हमने और डिमांड देखी, ठीक। इसमें हमने क्या किया, मिनिमम वैल्यू चूज की, मिनिमम वैल्यू चूज करने के बाद सबसे मिनिमम वैल्यू क्या थी हमारी इस नॉर्थ कॉस्ट में, ये 70 है, ये 40 है, ये 19, सबसे मिनिमम क्या था 19। तो हमने 19 को सेलेक्ट किया, हमने इसको एलोकेट किया और इसमें देखा कि हमारी डिमांड सेटिस्फाई हुई, और डिमांड को जब सेटिस्फाई हमने किया जीरो से, तो हमारा डी वन कॉलम कट हो गया, ठीक। यही प्रोसीजर हमें फिर से सेकेंड स्टेप में फॉलो करनी है, हमें पहले सबसे मिनिमम वैल्यू को सिलेक्ट करना है, ठीक। मिनिमम वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए अब जैसे सेकेंड टेबल में हमें देखना है, फर्स्ट टेबल हमारी ऑलरेडी कट चुकी थी, फिर से हमने सेकेंड टेबल में देखा नॉर्थ कॉस्ट कौन सा था हमारा, ये वाला। इसमें हमने पूरे में चेक करना है कौन सा है कौन सा। अब जैसे इसमें क्या था कि 30 है, फिर 30 है, ठीक, तो 30 30 ये पूरी इसमें आ रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, ऐसे ऐसे जब हम इस तरीके से डायरेक्शन एलोकेट करेंगे तो यही वाला हमारा जो होगा यही नॉर्थ वेस्ट में आएगा, ठीक है। तो इसको नॉर्थ वेस्ट में जब हम सेलेक्ट करेंगे तो हमें देखना है कि हमें सबसे पहले एलोकेशन देखनी है, एलोकेशन देखनी है सप्लाई सेटिस्फाई होगी या डिमांड सेटिस्फाई होगी, ठीक। हमने यहाँ पे क्या किया, सप्लाई को सेटिस्फाई किया और S1 D2, S1 इधर से और D2 इधर से, ठीक। तो हमने इसको फिर से, जब हमारी सप्लाई जीरो हो गई तो हमने इस सेल को फिर से क्रॉस आउट कर दिया, ठीक। फिर से जस्ट यही स्टेप हमें आगे वाले स्टेप में फॉलो करना है, ठीक। हमें क्या करना है, फिर से वही मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करनी है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड की, ठीक। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, अब हमारे तुम्हें पता, पिछले स्टेप में हमने देखा था कि हमारी दो वैल्यू कट हो चुकी थी, ठीक है, S1 वाली कट हो चुकी थी, D1 कट हो चुकी थी। अब हमें फिर से वही स्टेप फॉलो करते हुए नेक्स्ट वैल्यू को देखना है, ठीक। तो नेक्स्ट वैल्यू इस बार हमारी S2 D2, S2 इधर से D2 इधर से, यानी 30 और 6। जब हम देखेंगे ऐसे, और अगर ऐसे इस तरीके से डायरेक्शन का एलोकेशन देंगे तो जो हमारा 30 और 6 था यही हमारे नॉर्थ वेस्ट में कॉर्नर में आएगा, ठीक है। तो हमने इस सेल को सेलेक्ट किया, फिर हमें चेक करनी है ये डिमांड सेटिस्फाई हो रही है या सप्लाई सेटिस्फाई। तो हमने यहाँ देखा जब डिमांड सेटिस्फाई, यानी ये जीरो आ गई, जो चीज डिमांड में हो या सप्लाई में हो अगर वो जीरो आ रही है तो हमें उस क्रॉस या करना है, यानी हमें उस रो या कॉलम को क्रॉस स्ट्राइक कर देना है, कट कर देना है तुरंत, ठीक। फिर यही स्टेप फिर से नेक्स्ट स्टेप में फॉलो होगा। टेबल फोर में हमने फिर से यही देखा, हमने मिनिमम जो था अपना नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को सेलेक्ट किया, नॉर्थ वेस्ट हमने देखा
कि हमारा क्या होता है, जैसे अगर हमने इस तरीके से एलोकेशन दिया तो ये वाला जो सेल है हमारा वो नॉर्थ वेस्ट में आता है, ठीक है। तो यही स्टेप हमने फिर से फॉलो किया। अब इसमें हमने देखा H2D3, H2 कहाँ है ये, D3 कहाँ है ये, तो हमें ये आ रहा था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड पे, ठीक। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, फिर हमने देखा इसमें कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, सप्लाई सेटिस्फाई हो रही है या डिमांड सेटिस्फाई। तो यहाँ पे सप्लाई सेटिस्फाई हुई, सप्लाई जब सेटिस्फाई हुई तो हमारी ये पूरी कॉलम कट हो जाएगी, ठीक, कट हो गई। यस, नेक्स्ट स्टेप में फिर से हम यही फॉलो करेंगे, ठीक। फिर से हमने वही वर्कआउट किया, वही काम किया, क्या किया कि नॉर्थ वेस्ट मेथड को सेलेक्ट किया, नॉर्थ वेस्ट वाले कॉलम या रो को हमने सेलेक्ट किया। नॉर्थ वेस्ट वाली को इसमें कौन सी है, S3 है और D3 है। S3 यहां से आए, D3 यहां से आए, यानी 70 और 4। इसको सेलेक्ट करेंगे जब तो क्या होगा, हमें देखनी होगी, चेक करनी होगी डिमांड या पहले सेटिस्फाई हो रही है या सप्लाई पहले सेटिस्फाई हो रही, ठीक। तो हमने देखा कि इसमें सबसे ज्यादा डिमांड में सेटिस्फाई एलोकेशन होना था, तो हमने डिमांड को सेटिस्फाई किया और यहाँ पे 0 हुआ। तो 0 जब हो गया तो हमारी जो D3 कॉलम थी वो क्रॉस स्टाइक कट हो गई, ठीक। फिर से यही स्टेप, क्योंकि हमें तब तक करना है जब तक कि हमारी सभी डिमांड्स की वैल्यू और सभी सप्लाई की वैल्यू 0 ना आ जाए। तो अभी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अभी हमारी एक वैल्यू और बची, यानी हमें अभी एक स्टेप और चलना पड़ेगा, ठीक। फिर से हमने नेक्स्ट टेबल बनाई, फिर से उसी तरीके से एलोकेशन दिया और फिर से हमने देखा कि अब हमारा जो लास्ट सेल बचा था तो वो कौन सा, ये वाला बचा था, ये कौन सा हमारा S3D4। S3D4 को हमने देखा, फिर इसको हमने एलोकेशन दिया, एलोकेशन कहाँ पे दिया, अब यहाँ पे 14 यहाँ पे भी इसकी थी, 14 यहाँ पे भी थी, दोनों तरफ इक्वल एलोकेशन हो जाएगा, दोनों 0-0 आ जाएंगे और यहाँ से क्रॉस स्ट्राइक कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी स्टेप फॉलो हो जाएगी। इसी तरीके से अब हम देख पा रहे हैं जैसे कि डिमांड सभी 0 आ गई, सप्लाई सभी 0 आ गई। अब हमें चेक करनी होगी ऑप्टिमलिटी, क्या सोल्यूशन इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं है। ऑप्टिमलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, M+N-1 चेक करने होंगे। M+N- जो है उससे हमारी डीजनरेसी और नॉन डीजनरेसी निकालते हैं, ठीक है। M+N- क्या होते हैं, ये M हो गया अपना नंबर ऑफ कॉलम्स, N हो गया नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये चेक किया है कितने में एलोकेशन होना था, तो यहाँ पे देखा हमने ये कितने हैं, 3, ये 3 हुए M हमारे और ये 4 हुए, यानी टोटल 3+4, ठीक है, ये 7 है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6, और इस तरीके से हमने इसको एलोकेट किया, ठीक। ये टोटल जब हमने एलोकेशन देखा तो हमारा ये क्या आया, 6 आया, यानी सोल्यूशन हमारा नॉन डीजनरेट है। फिर हमें ये क्या करना होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी होती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमने एलोकेशन दिए थे उनका मल्टीप्लाई प्लस एड करते हैं, सम करते हैं सभी का, यानी 19x5 करेंगे, फिर प्लस 13x2 किया, प्लस 13x6 किया, प्लस 14x3 किया, प्लस 17x4 किया, देन दिस किया, आफ्टर देन वी विल फाइंड आउट द मिनिमम टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो इसी तरीके से हमें अपना प्रोसीजर फॉलो करना। तो आज हमने यहाँ पे चेक किया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, उसमें मेथड में क्या देखा कि हमें सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड सेलेक्ट करना होता था, ठीक है, फिर उसके बाद ऑप्टिमलिटी चेक करनी होती थी, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन को एलोकेट करना होता था, आफ्टर देन वी विल फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो हमारी सभी ऑडियंस से अनुरोध है कि इसी तरीके के वीडियोस अगर आपको चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।